है, स्वागत आपका लाइव विद प्रियांशी चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। काम का दिखा रहा है, बुक जाएगी अब दिखाऊंगी ना। लो मैंने क्या कर रही है। ए ये ज़्यादा नीचे हो गए, यहाँ पे आना था यहाँ पे। तो गाइज आप सोच रहे होगे मैं क्या कर रही हूँ। तो गाइज मैं कर रही हूँ ज़रा जन्माष्टमी की रील बनाने की तैयारी। तो ये कुछ ऐसे है, एक ऐसे लगाया, एक यहाँ पे लगाया। कल मम्मी सोनीपत गई थी, जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा ही होगा कल वाले में। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से चेकआउट कर लेना आप उसको। तो उसमें गई थी तो ये वाली सामान लेके आई थी मम्मी मेरे लिए सब कुछ। तो अभी लवण्या कर रही है यहाँ पर। बिल्कुल एक मिनट। तो अभी देखिए लवीना बना रही है मेरे ऐसे, जैसे ये वाला मैंने बनाया, ये साइडों में मुझसे नहीं बन रहा था तो मैंने लवीना को बुला लिया। लवीना बहुत हेल्प करती है मेरी। अब विजयन को डाल कमेंट करके बताना कैसा लगा। ठीक है क्या प्रियांशी, कैसा लगा? मैं कंफ्यूज थी, नीचे वाला बनाओ या नहीं बनाओ, कैसा लगा? बहुत अच्छा, अच्छा लग जाएगा। चलो मम्मी को दिखाते हैं। मम्मी देखना अरे लमनाना बनाई, ऊपर नीचे वाला मैंने बनाए सारे बढ़िया। देखिए अब हम कर रहे हैं लहंगा फिटिंग। यही ड्रेस पहननी पड़ेगी मेरे को, और कोई चार नहीं है मेरे पास। गर्मी इतनी हो रखी है। तो गाइस जो पहले बनाने की रील्स थी, मतलब जो ट्रांजेक्शन वाली रील्स थी, वो तो मैंने पहले वाले में शूट कर ली, मतलब ऐसे सिंपल कपड़ों में। और अब मैं होने वाली हूँ चुनो चुनो। तो और अब मैं करने वाली हूँ नैनो वाला जिसकी दीवानी। मुरली लेकर इसे सेव कर दो, सेव ना आयो जो देखा सेव ना था यो। तो गाइस रोक दो ना, तो कॉपीराइट आ जाओगे, रोक दो इसने। हाँ तो गाइस बस अब रेडी हो जाती हूँ। और आज मौसम कर रही है सेव गाने यार, याद करेगी। और मौसम आज इतना अच्छा है ना, मतलब धूप नहीं है अभी तक। एक घंटे से इस चीज पे लगे हुए हैं, लगे थे एक बज गया। तो चलिए गाइस अब बना लेते हैं। अब प्रियांशी बनी हुई है राधा, अब बनाएगी कृष्ण। हमारे कृष्ण खाए, हमारा कृष्ण सो गया, कृष्ण सो गया, सुना रे उठ गया उठ गया उठ गया। गाइस ये सो गई है, देखो गाइस जो बिल्कुल गाली आ रही है। ऑलरेडी बहुत हैवी हो चुका है। तो वैसे देखिए ये मोर पंख जुगाड़ करके कहीं से हमने ये मिल लिए। हमारा पर मम्मी के पास गए, फिर आंटी के पास गए, आखिर में कहाँ मिले हमें ताई जी के पास। चलो बनाओ, चलो रील बना दो। ये एनवी का है,
पहले एक दिन दवाई में बढ़ेंगे ना इस पता के पीछे भाग भी हो रहा है। हाँ तो चलो गाइस बना लेते हैं। बाय 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 बाय। प्रियांशी आपने अपने पैरों में पायल भी पहनी है? तोड़ दिया। हो रहे हो दीदी? आ गई दीदी। हाय हाय दीदी, उड़ जाऊंगा मम्मा, उड़ जाऊंगा मैं। मम्मा ने देखाऊंगा कि अकेला जाल में का उड़ के एक बाल एक बड़ी मम्मा ने और बड़ी मम्मा ने एक बाल गेका हूं बस जाल में के केकला है गेका 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 देखिए सुनो ये तू सुनो जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई दे दो दीदी। दे दो स्माइल करके दीदी। कितनी सारी स्माइल दोगे इनको? इतनी स्माइल दोगे आप गाइस को? इतनी कौन देता है? इतनी स्माइल कौन देता है? उड़ जाएगी उड़ जाएगी ये तो उड़ जाएगी उड़ जाएगी। भैया आ गया पिटी करेगा लाजी कर दूंगा भैया पिटी करेगा भैया पिटी करेगा। तेरे पापा आ गए तेला पापा आ गया अगले का पापा आ गया आए बंदर। तो भाई गाइस देखो मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ और ये इतना सब कुछ हैवी पहन के पहली बार पहने सब कुछ चीज़ें गले का सेट हो रही है और ये इतना परेशान कर रहा है। खासकर इस वाले देखो ये ढीला भी हो रखा और यार यार पहना इतना दर्द कर रहा है ये पीछे जा ही नहीं रहा और ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। क्या बताऊँ बस अब आपको बहुत दर्द कर रहा है लेकिन एक अच्छी बात हुई रील बन गई। तो गाइस देख लो आप सोचते हो एक 15 सेकेंड की रील देखते हो लेकिन उसके पीछे मेहनत पूरे कितनी देर की होती है। मैं जब आपको बताया था ना 12 बजे लगी थी अब 3 बज चुके हैं और अब जाके मेरा काम ख़त्म हुआ है। तो सच्ची में ये जो काम है कोई भी काम इतना आसान नहीं होता है कि ये सोच दूँ कि आप आके बस यही तो करना है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे काम इक्वली होते हैं सभी में मेहनत लगती है ऐसा कुछ नहीं है कि फ्री में कुछ मिल जाता है तो मेहनत तो पूरी लगती है लेकिन ठीक है। मैंने यहाँ पर भी बनाया था लेकिन वो मिट गया। ये वाले अच्छे लग रहे हैं ये पता नहीं कब मिटेंगे मैं नहीं मिटाऊंगी जब मिटेंगे क्यों नहीं मिटेंगे तो अच्छे लग रहे हैं वैसे है ना। कमेंट करके बताना आज का मेरा लुक आप सभी लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं लगा। और बस ये बहुत ज़्यादा पेन कर रहे हैं अब तो बस चेंज करूँगी। और पूरे मैं ना 11 बजे लगी थी मतलब नहाने धोने लगी थी मैं 11 बजे आई फिर मतलब ये बनाने लगी तब मतलब 12 बजे तो ये था लहंगा पहन के मैं खड़ी थी। तो मतलब आप ये मान लो पूरे 4 घंटे हो गए हैं मेरे को ये सारी चीज़ करते हुए थकी पूरा बिल्कुल थक गए हैं। और आज था संडे कल है जन्माष्टमी परसों देश का बर्थडे तो अभी लगातार अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। जैसे आज का भी ठीक ब्लॉग था अच्छा ही ब्लॉग था आज का भी देखा कि कैसे क्या हुई बहुत परेशानियाँ आई लेकिन क्या करें कुछ पाना है तो मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा बिना कुछ करे कुछ नहीं मिलता। और कल जन्माष्टमी है अनवी को काना बनाएंगे और अनवी की काना वाली ड्रेस पता नहीं कहाँ गई हमने ला के रखी थी उसकी काना वाली ड्रेस लेकिन वो गुम हो गई मतलब हमने पूरा घर छान मारा लेकिन वो मिली नहीं थी ये। और कल हमने सच्चे बताया पूरा घर छान मारा लेकिन अब रकान वाली ड्रेस मिली नहीं रही है। और अगर हमने उसको है ना परसों देख लेते तो कल मम्मी गई हुई थी सोनीपत जैसा कि आपने ब्लॉग देखा ही होगा वो तो उसके लिए ले आती मम्मी काना वाली ड्रेस अगर हमने कल देख ली होती तो लेकिन खैर परसों देख ली होती तो कल तो हमने सोनीपत गई थी तो लेकिन खैर कोई बात नहीं आज पापा लेके आएंगे इसके लिए काना की ड्रेस इसकी फिर क्योंकि फ़ोटोशूट तो करना ही है उनको मतलब हमें ये है मतलब जो हाँ हमारे टाइम पे नहीं उस टाइम तो कहाँ होते थे फ़ोटोशूट के इतना अच्छा कैमरा भी नहीं होता था जब हम बच्चे थे मतलब 2 साल के थे तब
तो लेकिन हमें है ना अनवी को उस पर सारी चीज़ करनी है, मतलब जो चल रहा होगा ना, मतलब सारी चीज़ करनी, उसको कान्हा राधा सब बनाना है, मतलब जो भी फेस्टिवल होगा उसको इसकी प्रॉपर ड्रेस पहनानी है, इसका हर मंथ बर्थडे में फोटोशूट है, सारी चीज़ पूरी करनी है, मतलब जो भी इसके इस पर हमको जो मतलब लगता है कि हमारे पे नहीं होगा है, वो अनवी को हम सारे शौक पूरे करेंगे अपने। और अनवी की एक ये भी है, मेमोरी बनती जा रही है, मतलब ये व्लॉग्स में थोड़ा कैसी थी बचपन से ही, मतलब जैसे अभी तो ये बचपन से ही इसकी सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये रिकॉर्डिंग तो कही जाएगी ही नहीं, तो जब बड़ी होगी अनवी तब उसको दिखाएंगे कि कैसे क्या थी अनवी, उसका हम ऐसे ऐसे करा करते सब कुछ इतना अच्छे से, तो तब दिखाएंगे। ये देखो मैंने ये भी पहनी, ये पता है मम्मी की है, पर जब मम्मी आई थी मतलब जब मम्मी पहले लेके आई थी तब मम्मी पतली थी, तो अभी खैर ये मेरा हाथ तो और भी पतला है, तो ये किसी को भी निहारी थी तो आज मैंने पहन ली है, अच्छी लगी। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ ये सारी ड्रेस वगैरह चेंज। बेतू यो है मेरा बेतू, हाथ खड़े करो, आपने आज पनिशमेंट मिलेगी, हाथ खड़े करो आज पनिशमेंट देंगे इसको, ये कैसा गंदू बेटू है जो पनिशमेंट मिलने पे भी खुश होता है, ये मेरा गंदू सा बेटू है, ये मेरा गंदू सा बेटू है, छाला दिन मम्मा को अपने छान लगते हो, इसलिए पनिशमेंट दे लिया मम्मा आपको, आपको ये पता क्या सोच रहा है वो, क्या करवाते हो तुम इसको वो विक्ट्री डांस आदत हो रही है, ऐसे नहीं होती, ऐसा होता है विक्ट्री डांस आप हाथ मत लगाओ मम्मा लगाएगी, अच्छा विक्ति डांच तू बहुत ड्रामेबाज है दीदी, हाथ लगाती रो रही थी तू रो ना, मैं भी हाँ ये खेलती ना छाले, आ जाओ मम्मा जब मैं खेलू तब मेरे को प्ले छान करने के लिए। तो गाइज आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को करना लाइक शेयर एंड कमेंट, और साथ में चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी आगे आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।